प्रिय साथियों नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो साथियों, हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और आज के वीडियो का टॉपिक है YouTube चैनल पर वॉच टाइम हावर्स, यानी अपना वॉच टाइम हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ बहुत आसान तरीका इस वीडियो में बताया गया है। ओके साथियों, और तो हमारे वीडियो पे आप सभी अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं YouTube चैनल पर वॉच टाइम हावर्स, यानी अपना वॉच टाइम हम कैसे देख सकते हैं। ओके साथियों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर आएँ और यहाँ पे अपने YouTube चैनल पर क्लिक करें। जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे YouTube चैनल का प्रोफाइल ओपन हो चुका है, योर चैनल। इस पे आप क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है YouTube चैनल का जो है प्रोफाइल ओपन हो चुका है। यहाँ पे YouTube चैनल का नाम आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे मैनेज वीडियो, उसके साइड में यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है मेमो। इस पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आ चुका है लास्ट स्टेज व्यूज, और इसके साइड में है वाचिंग टाइम और इसके साइड में है सब्सक्राइबर्स। ओके साथियों, अब इसको जो है थोड़ा सा आप ऊपर खिसका दीजिए और यहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है, व्यू मोर एनालिसिस इन स्टूडियो। ओके साथियों, इस पर आप क्लिक करें और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ओके साथियों, अब यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, वॉच टाइम देखना चाहते हैं कि व्यूज देखना चाहते हैं कि आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हुए। ओके साथियों, तो चलिए हम यहाँ पे हम वॉच टाइम देख लेते हैं। ओके, तो वॉच टाइम पर यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वॉच टाइम हावर्स। ओके साथियों, अब इसको आप कैसे देखना चाहते हैं कि हमारा वॉच टाइम कैसे बढ़ा, तो इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे वॉच टाइम हावर्स ओपन हो चुका है लास्ट 28 डेज। अब यहाँ पे आपको 28 डेज में कुल कितना वॉच टाइम मिला, यहाँ पे देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है 217 घंटे 8 मिनट, 147 मोर देन यूज। तो यहाँ पे जो है 13 जुलाई से और 9 अगस्त के बीच में आपका वॉच टाइम 217, यानी यहाँ पे जो है 13 जुलाई से और 9 अगस्त के बीच में यहाँ पे जो है आरेख में समझाया गया है 217 घंटे वॉच टाइम मिला है 28 डेज में। ओके साथियों, तो चलिए इस पे हम ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम पूरे महीने भर का देखेंगे लास्ट 7 डेज। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं तो लास्ट 7 डेज में यहाँ पे शो हो रहा है 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में, दाहिने साइड में देख पा रहे हैं आप 49 घंटे 1 मिनट। ओके साथियों, तो चलिए इस पे हम पुनः क्लिक करते हैं। लास्ट 90 डेज, इस पे हम क्लिक करते हैं तो लास्ट 90 डेज में मिला है 12 मई से लेकर 9 अगस्त के बीच में 425 घंटे 7 मिनट का वॉच टाइम। ओके साथियों, अब इसके बाद इस पे क्लिक करते हैं लास्ट 365 डेज, इस पे आप क्लिक करें। हमने क्लिक किया तो लास्ट यहाँ पे 365 डेज में 852 घंटे यहाँ पे जो है वॉच टाइम जो दिया है 852 घंटे 6 मिनट। ओके साथियों, लास्ट 365 डेज यानी 1 साल का है ये। अब इसके बाद लाइफ टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 11 मई 2020 से 9 अगस्त के बीच में यहाँ पे ये जो मेमो दिखा रहा है आरेख 953 घंटे 4 मिनट, यानी कुल जो है लाइफ टाइम का जो है वॉच टाइम कितना मिला 953 घंटे 4 मिनट। ओके साथियों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे महीना लिखा हुआ अगस्त में कितना मिला, इस पर आप क्लिक करके देख लें। अगस्त में यहाँ मिला 66 घंटे 6 मिनट और इसके बाद जुलाई में देख लेते हैं तो जुलाई में 189 घंटे 9 मिनट, और जून में देख लेते हैं, जून में 1 जून से 30 जून के बीच 97 घंटे 9 मिनट, और मई में यहाँ पे मई में 1 मई से 31 मई के बीच 103 घंटे
7 मिनट। और अप्रैल में देख लेते हैं, अप्रैल में टोटल जो है 28 घंटे 2 मिनट, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 28 घंटे 2 मिनट। और यहाँ पे मार्च में देख लेते हैं क्लिक करके, यहाँ पे मार्च में देख रहे हैं 1 मार्च से 31 मार्च के बीच 69 घंटे 5 मिनट। और इसके बाद फरवरी में देख लेते हैं, फरवरी में वास्ट टाइम है 39 घंटे 1 मिनट। और जनवरी में देख लेते हैं, जनवरी में वास्ट टाइम मिला 71 घंटे 6 मिनट। और यहाँ पे दिसंबर 2021 में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच 48 घंटे 4 मिनट। नवंबर में देख लेते हैं, नवंबर में वास्ट टाइम मिला है 43 घंटे 2 मिनट। और अक्टूबर में वास्ट टाइम देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 में कुल 42 घंटे 6 मिनट, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच का तारीख है। और इसके बाद सितंबर में देख लेते हैं, वास्ट टाइम 29 घंटे 2 मिनट। तो ये रहा जो है एक साल का जो है ये वास्ट टाइम। ओके साथियों, तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके साथियों, तो हम पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।